आप पूजा के स्थान की ओर प्रस्थान करें, बस कुछ ही पल में तो मेरे साथ है। चलिए दादा जी। अरे मान, आप तो ताड़ के पेड़ की भांति इतनी तीव्रता से बढ़ रही हैं। दादा भाई, एक तो आप इतने दिनों बाद आए हैं और हमें ताड़ का पेड़ बोल के हमारा उपहास कर रहे हैं, और कोई उपहार भी नहीं लाया आप हमारे लिए। ये कोई अच्छी बात है? ये कहाँ का न्याय है आपका? देखिए, सच कहे तो अब उपहार आदि आपको तभी देंगे जब आपका विवाह होगा। जी ठीक है, तो फिर हम जा रहे हैं। चांद, पसंद है ना ये हार आपको? बस थोड़ी बड़ी हो जाए फिर इसे पहन लीजिएगा। बहुत सुंदर है ये दादा भाई। अच्छा लगा आपको? बहुत 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 अच्छा लगा। दादा भाई, अब आप बिना सताए इनका भी उपहार दे ही दीजिए इन्हें, नहीं तो आप जानते ही ना इतनी जल्दी रो पड़ती हैं। ठीक है मान, आपका आदेश सर आंखों पे। तो चांद, ये कंगन आपके लिए। बहुत सुंदर। अति सुंदर। क्यों बार बार आस हार जाते हैं आपको चकमा? जब पहली बार आपने हमारी कोख में करवट ली थी ना कुंवर चकमान, उसी क्षण हमने आपको वचन दिया था कि हम आपको मेवाड़ का युवराज बनाएंगे, राजा बनाएंगे। उस दिन से हर दिन हमने यही प्रयास किया है। अब तो हमारा प्रयास कुछ कुछ राणा जी के सामने प्रगति भी दिखाने लगा है। तो हम और क्या करें रानी मां? सुबह से दादा भाई की जय जयकार सुन के हमारे कान पक गए हैं, कलेजा जलता है हमारा। करने दीजिए सबको कुंवर प्रताप की जय जयकार, हम आपकी जय जयकार करेंगे। वो कैसे? शास्त्रों में गौ माता को धन्य धान सुख संपदा और नाना प्रकार के फलों को देने वाली बताया गया है। अंतःकरण से जो गौ माता की सेवा करता है उसे इस जन्म में नाना प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, और मृत्यु उपरांत उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वेदों में गौ माता को कामधेनु का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जहां से कामधेनु का उद्भव हुआ है वहीं से सारे देवी देवताओं और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी उद्भव हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिखा है कामधेनु की पूजा अर्चना के बाद जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो हमारे पितरों को मिलता है, और वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए शुक्ल पक्ष के प्रथम अर्थात एकम को जो नर नारी श्रद्धा भक्ति के साथ गौ माता की पूजा करेगा उन्हें इस जीवन में कोई कष्ट नहीं मिलेगा, और उसके घर में सुख समृद्धि वैभव का हमेशा वास रहेगा। इसलिए आइए हम सब आज शुक्ल पक्ष की प्रथमा अर्थात एकम को गौ माता की पूजा करें। आइए, पूजन का समय हो गया है, हम गौ माता का पूजा करें। पर रानी मां और कुंवर जगमाल तब तक आए नहीं। मासा दादा भाई को लेने गई है, मैं देख कर आती हूँ क्यों देर हो रही है। उनसे कहिएगा कि शीघ्र आए, क्योंकि इस पूजा के बाद हमें एक आवश्यक राजकीय मंत्रणा के लिए जाना है। जी हमारी तरफ ध्यान दीजिए, मत सुनिए शोर को। आपकी रानी मां आपका राज्य अभिषेक कर रही है। कुंवर जगमाल की जय। कुंवर जगमाल की जय। कुंवर जगमाल की जय। कुंवर जगमाल की जय।
कुंवर जगमाल की जय, कुंवर जगमाल की जय, कुंवर जगमाल की जय। आइए ना मानकर, वहां क्यों खड़ी है? आपके दादा भाई का ही कक्ष है, आप भी आइए, जय जयकार कीजिए उनकी। क्या सोचती हैं आप बहना? नहीं लगते हम बिल्कुल राजा जैसे? लगते हैं ना दादा भाई, बिल्कुल लगते हैं। परंतु राजा कोई भी हो, वो स्वयं अपनी जय जयकार नहीं करता। बताइए, करता है भला कोई ऐसा? ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, प्रजा को ही करनी चाहिए एक राजा की जय जयकार। तो फिर आप हमारी जय जयकार क्यों नहीं कर रहे? हमारी जय जयकार कीजिए, नहीं तो हम ये जल से भरा पात्र आपके इन सुंदर वस्त्रों पे उछाल देंगे। आपके ये सुंदर सुंदर वस्त्र खराब हो जाएंगे, फिर ना ही आप अपने प्रिय दादा भाई के सम्मान समारोह और ना ही उनकी गौ पूजा में सम्मिलित हो पाएंगी। हाँ, गौ पूजा जहाँ हमसे पहले आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, बल्कि सच तो यह है कि वहाँ सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप कब आएंगे। और दाजी राज वो तो क्रोध से लाल पीले हुए जा रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष की भांति गौ पूजा के बाद आप ही को तो पहनाते हैं उत्तरीय दाजी राज, और आप उपस्थिति नहीं है वहाँ। चलिए कोई बात नहीं, अब जब आप बन ही गए हैं राजा, तो आपको वर्तमान राणा के क्रोध से भयभीत होने की तो आवश्यकता ही नहीं है, है ना रानी माँ? उत्तरीय, तो आपने हमें बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर वर्तमान राणा हमसे कुपित हो जाएंगे तो फिर भविष्य के राजा कैसे बनेंगे हम? अब आराम से तैयार होइए, हमें ना राणा जी से बात करने के लिए, हम समझा देंगे उनको। आप बहुत अच्छी हैं रानी माँ। जगमाल कर क्या रहे थे? उन्होंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि वे मेवाड़ के राणा बन सकते हैं? आप उन्हें ऐसा कैसे सोचने दे सकती हैं? आप देख नहीं रही हैं रानी माँ, वो कैसे हो गए हैं, उनका व्यवहार कैसा हो गया है? आप जानती हैं जब हम मारवाड़ से वर्षों बाद पहली बार यहाँ आए थे, तब वे क्या कर रहे थे? वो दासियों के छोटे छोटे बच्चों को एकत्रित करके उनसे कह रहे थे कि अगर वे उनके सामने ठीक से झुके नहीं तो वे उन्हें काल कोठरी में बंद कर देंगे। छोटे छोटे अबोध बच्चों से ऐसा व्यवहार? नहीं रानी माँ, इसे राजसी व्यवहार कहते हैं मान। राजसी लोगों को राजसी व्यवहार ही शोभा देता है, डरा के ही रखना चाहिए छोटे बच्चों को। बच्चे बचपन से ही राजसी लोगों का सम्मान करना नहीं सीखेंगे तो बड़े होके बार बार उन्हें ही दंडित होना पड़ेगा। दादा भाई का आचार व्यवहार पागलों जैसा होता जा रहा है रानी माँ, ये ठीक नहीं है, ये पागलपन है। मान, ये पागलपन नहीं है, ये हमारे पुत्र का सपना है जो पूरा होकर रहेगा। दादा भाई का सपना नहीं है रानी माँ, आपकी महत्वाकांक्षा है,
और इससे पहले कि आपकी ये महत्वाकांक्षाएं आपसे हम सबको छीन लें, आप भी अपने आप को संभाल लीजिए। पूजा में चलते हैं। और मान, आपको हमसे थोड़ा भयभीत होना चाहिए, हम आपकी जान भी ले सकते थे। नहीं रानी माँ, हम जानते हैं आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पागल दादा भाई हैं, आप नहीं। आपको पता है लक्ष्मी, आज प्रतिपदा है शुक्ल पक्ष की, गौ पूजा के लिए सर्वाधिक पुण्य तिथि, और चित्तौड़ में तो बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही होगी गौ पूजा। और फिर तो इतने दिनों बाद उनके अपने बाऊजी राज अपने कुंवर प्रताप लौटे हैं चित्तौड़, वो भी बिचौलिया को बचाकर, अफगानों को हराकर। सारी ओर वहां पर प्रसन्नता का वातावरण होगा ना, है ना? जानते हैं कुंवर प्रताप, इस पूजा के बाद गौ माँ के आशीर्वाद से पवित्र हुआ ये उत्तरीय एक ऐसा रक्षा कवच बन जाता है कि कहते हैं कि जो भी ये रक्षा कवच पहन ले उस पर कोई भी किसी भी तरह का प्रत्याशित संकट प्रभाव नहीं डाल सकता। जानते हैं दाजी राज, जानते हैं, इसलिए हर गौ पूजन के बाद रानी माँ हमें ये सब बताया करती थी। और जगमाल क्यों नहीं आए आपके साथ? आते ही होंगे राणा जी। सदा विजय भाव। पंडित जी, आप पूजा आरंभ कीजिए। और जगमाल को जब समय मिलेगा इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए तो वो स्वयं आ जाएंगे। शुरू कीजिए आप। नहीं दाजी राज, कुंवर जगमाल के बिना हमें पूजा आरंभ नहीं करनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्य वहां पर उपस्थित होंगे, किंतु सदैव के भांति अगर परिवार का एक भी सदस्य वहां पर उपस्थित नहीं रहा तो कुंवर प्रताप वो पूजा आरंभ होने ही नहीं देंगे। खम्मा गणी दाजी राज, वो इस विशेष पूजा में आने के लिए हम गंगा स्नान कर रहे थे, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। वो गंगा स्नान तो ठीक है दादा भाई, किंतु आप स्त्री से पुरुष कब बने? मान भाई साहब, आपको अपने हास परिहास को थोड़ा नियंत्रित रखना चाहिए। नहीं, क्षमा मांगिए उनसे। क्षमा कीजिए दादा भाई, क्षमा। पंडित जी, पूजा आरंभ कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः। ये दादा भाई इतनी रक्षा क्यों करते हैं दादा भाई जगमाल की? क्योंकि दादा भाई ही तो मेवाड़ के होने वाले महाराणा हैं, इसलिए रक्षा करते हैं। और देख लेना, यही है जो हम सबकी रक्षा करेंगे। ऐसे ही हर कठिनाई में हम करेंगे इनकी रक्षा। धरती से अब ढंग से निकले नहीं है और रक्षा करेंगे वट वृक्ष की। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। कुंवर प्रताप, इस जल को आप पी जाइए। पंडित जी, बाऊजी राज की पत्नी कहाँ है? वे नहीं आएंगे पूजा में सम्मिलित होने? पूजा तो पति पत्नी दोनों मिलकर करते है ना, विशेष रूप से ये वाले संस्कार, यही सिखा है ना आपने हमें गुरुजी? आपको पता है लक्ष्मी,
ये पूजा पति पत्नी को साथ में मिलकर करनी चाहिए। और आप तो जानती है ना, आप हमारी विवशता से परिचित है। पता नहीं आप चित्तौड़ में गौ पूजा के समय किसी ने हमारी कमी का अनुभव किया भी होगा या नहीं। पंडित जी, जिन जिन को पूजा में आना था वे आ चुके हैं, आप पूजा संपन्न करवाइए। ओम गौ ब्राह्मण देवाय च पूजाय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सब काम दादा भाई से ही करवाया जाता है, हम तो इस महल में सिर्फ मूरत बन के खड़े हैं। हमसे अच्छी स्थिति हमारी दर्शनीय बहनों की है। कुंवर जगमाल, हर वर्ष ये उतरी है राणा जी सारी प्रजा के सामने आपको देते हैं, जिन्हें जो करना है करने दीजिए, आप अपना ध्यान उत्तरीय पर रखिए। लीजिए राणा जी, इस उत्तरी को आप जिसे देंगे उस पर मां की विशेष कृपा बनी रहेगी। जगमाल, पिछले कई वर्षों से हम ये उत्तरी आपको देते हैं, इसलिए गौ मां का आशीर्वाद भी आप ही को मिलता रहा है। किंतु इस वर्ष प्रताप ने इतने सत्कार्य किए, जिस शौर्य से, जिस वीरता से अपनी मातृभूमि के अस्तित्व, उसके गौरव की रक्षा की, केवल रक्षा ही नहीं बल्कि गौरव को बढ़ाया भी, उन सभी सत्कर्मों का सम्मान करते हुए हम राणा उदय से इस वर्ष गौ माता का यह आशीर्वाद हम कुंवर प्रताप को सौंपते हैं। कुंवर प्रताप ने इतने सत्कार्य किए, उन सभी सत्कर्मों का सम्मान करते हुए हम राणा उदय से इस वर्ष गौ माता का यह आशीर्वाद हम कुंवर प्रताप को सौंपते हैं। शिक्षा समाहित जीवन मेरे, अमृत जिसे समझ आगे बढूं। बाजी राज प्रताप की, 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 बाजी राज प्रताप की। राज, हमें मंत्रणा के लिए बहुत देर हो रही है, विषय बहुत आवश्यक है, चलना चाहिए हमें। हमें और कुंवर प्रताप को एक विशेष राजकीय मंत्रणा के लिए जाना है। आप सभी लोग यहां आए
उसके लिए बहुत बहुत आभार। राणा उदय सिंह की जय। 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 शान, मैं दादा भाई के लिए जितना अच्छा लग रहा है ना, उतना ही बुरा लग रहा है अपने दादा भाई जगमाल के लिए। मासा को निरंतर यूं अपनी महत्वाकांक्षा नहीं डालते रहना चाहिए दादा भाई जगमाल के मन में। कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, दुखी मत होइए कुंवर जगमाल, आपकी रानी माँ है ना आपके साथ, आपको आपको आपकी रानी माँ वो सब कुछ दिलवाएंगी जो जो आप चाहते हैं। गौ पूजा तो अगले वर्ष भी होगी, आप देख लेना, अगले वर्ष ये उत्तरी आपको ही मिलेगी। आप केवल बातें बनाइए रानी माँ, प्रजा के सामने आप हमें एक रेशम का टुकड़ा तो दिला नहीं सकी, सिंहासन क्या दिलाएंगी? हाँ, हम ऊब चुके हैं आपकी व्यर्थ बातों से और असफल योजनाओं से। अब जब तक हम ना कहें आप हमें अपना मुख नहीं दिखलाएंगी। कुंवर जगमाल, चिल्लाइए मत, महारानी है आप और मेवाड़ की महारानी की गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचे, इस बात का ध्यान रखिएगा।